छोड़ना चाहिए जी। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाली द फैक्ट टाइम में आप सबका स्वागत करती हूँ। लगातार खबरें देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो देखते हैं आज के लोगों को जो इतनी भारी तादाद में आए हुए हैं डेरा सच्चा सौदा में। तो जानते हैं जी, आप किस काम के लिए आए हैं आज? खाम खाने के लिए, सेवा करने के लिए। हरप्रीत कौर जी, आप कहाँ से आए? मुक्सर ब्लॉक जी। तो आप आज आंखें दिखाने आए हैं, यहाँ पर एक कैंप लगा हुआ है, तो उसके बदले में क्या आपसे कोई पैसा लिया जाता है? नहीं लिया जाता जी, ये जो कैंप है फ्री दिखाया जाता है। हाँ, फ्री लगाया जाता। क्या अक्सर ऐसा कैंप लगता रहता है? इतने लगता रहता जी। जी, हर साल लगता है? हाँ जी जी। तो हर साल आप यहाँ आते हैं और करोड़ों लोग आते हैं जो कि गरीब हैं, जो कि अफोर्ड नहीं कर पाते, वो यहाँ आकर अपना फ्री में इलाज पॉसिबल करवाते हैं जी। तो आपको यहाँ आकर कैसा लगता है? यहाँ का बहुत अच्छा लगता, माहौल बहुत अच्छा लगता जी। महिलाओं के लिए यहाँ पर कैसा माहौल है? बहुत बढ़िया जी जी। क्या और भी ऐसे कार्य हैं जो अक्सर डेरा सच्चा सौदा करता है? नहीं करते जी। और ऐसे कौन कौन से कार्य हैं, जैसे कि सफाई अभियान चलाना और ऐसे कौन कौन से कार्य हैं? महाराज जी का है गुरमीत पिताजी जी, डॉक्टर गुरमीत पिताजी जी। आपके गुरुजी ये कार्य में बढ़ चढ़ कर रहे हैं और अपनी संगत को भी करने के लिए मोटिवेट करते हैं, संगत को भी करवा रहे हैं जी। तो जो गुरुजी पे इल्ज़ाम लगे थे कुछ दिनों पहले, उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या वो सही थे? वो इल्ज़ाम झूठे लग गए थे जी, झूठे लगे थे। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे आप सरकार को? वो सरकार नु ये कहना चाहिए भी एदा सच होना चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए जी। क्या गुरुजी को छुड़वाने के लिए क्या कहना चाहेंगे? गुरुजी को छोड़ना चाहिए जी। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी हैं वो कह रहे हैं कि हमारे गुरुजी बिल्कुल सच्चे थे और सच्चे हैं। इनका कहना यह है कि जो भी आरोप उन पे लगाए गए थे वो बिल्कुल सरासर झूठ थे